भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को CGHS के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अपने बुढ़ापे के दौरान या फिर सेवानिवृत्ति के बाद किसी के मोहताज न रहें और बिना किसी परेशानी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार करवा सकें। लेकिन ये सुविधा भी अफसरशाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। CGHS की डिस्पेंसरी क्रमांक 3 में कामचोर अधिकारियों का बोलबाला है। यहाँ तड़की सुबह से ही बुजुर्ग पेशेंट लाइन लगा लेते हैं, लेकिन अधिकारी कई घंटों के बाद स्थान पर पहुँचते हैं। आलम तो यह है कि अगर किसी बुजुर्ग ने इसकी शिकायत की तो कई दिनों तक दवा के लिए भटकाया जाता है। बुजुर्ग की शिकायत पर औपचारिक निरीक्षण करने पहुंचे विजन ऑर्डिनेंस के सदस्यों ने पाया कि डिस्पेंसरी क्रमांक 3 में लगभग सभी कर्मचारी समय से कई घंटों के बाद पहुंच रहे हैं, जबकि मरीजों ने सुबह से ही लाइन लगाकर डेरा जमा रखा था। फिलहाल तो सदस्यों ने निवेदन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना काम पूरी निष्ठा से करने का निवेदन किया है, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी गई कि अगर अगली बार ऐसी अव्यवस्था देखने को मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे क्या परेशानी हो रही है? एक डॉक्टर लेडीज है, वो टाइम से 7:30 एक या 7:45 पहले ही आ जाती है, और बाकी जो तीनों डॉक्टर हैं ये 9:15 बजे से पहले नहीं आते। दूसरी बात, CGHS से जो दवाई मिलती है वो तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट मिलती है या कैसे भी मिलती है ठीक है, लेकिन जो LP की दवाई है वो 100% वहाँ से मतलब सब्स्टिट्यूट भेजते हैं, और उनको बोलो वो इतना बदतमीज आदमी है कि उसके पास जाकर डायरेक्टर के पास भी हम दोनों ने जा कर के बोला था, वो भी बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसने कुछ नहीं किया, और उससे जा कर के दुकान में जा कर के बोलो तो वो बोलता है आप लोग यहाँ से चल, जो बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, बोलता है मेरे को जो भेजना होगा मैं भेजूंगा, आप लोगों को जो करना है। कौन सी डिस्पेंसरी है ये? हाँ जी, ये कौन सी डिस्पेंसरी है? नंबर 3 डिस्पेंसरी। आपका नाम? मेरा नाम देशराज केहर। ठीक है। तो तुम लोग का जो CGHS में जो परेशानियां हैं, CGHS की डिस्पेंसरीज में, कि डॉक्टर लेट आते हैं, दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती है, फार्मासिस्ट समय पर नहीं आते हैं, ऐसी कई परेशानियाँ हैं, और मरीज सवेरे 6 बजे से आकर के 10 बजे तक यहाँ इंतजार करते बैठे रहते हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं। ये जब शिकायतें मिली हैं विजन ऑर्डिनेंस को, तो आज विजन ऑर्डिनेंस के लोग यहाँ पर आए, जो हमारी डिस्पेंसरी क्रमांक 3 है वैद्यनाथन नगर GCF स्टेट की, और यहाँ पर हमने पाया कि डॉक्टर मानवकर जी हैं, श्रीमती मैडम डॉक्टर मानवकर जी, वो बिल्कुल समय पर 7:25 पर उपस्थित हुई। उसके अलावा ना कोई स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना फार्मासिस्ट, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पाया गया, जिसकी कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, और यहाँ लोगों की परेशानियों को हम लोगों ने जाना है। आज पहला दिन है, इसलिए हम यहाँ पर लोगों से निवेदन करने आए हैं, सत्याग्रह के रूप में सविनय निवेदन करने आए हैं कि कल से सब अपनी समय पर ड्यूटी आएँ, और यदि लोग 7:30 आकर के अपना काम नहीं शुरू करते हैं, सरकार से इनको मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, इनको अपनी जवाबदारी को समझना चाहिए और यहाँ मरीजों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। नाम?